सिर्फ 6 दिन बचे हैं बाप। अगर 6 दिन के अंदर अंदर बाबूजी नहीं मिले तो पुलिस मौका देखकर हमारा एनकाउंटर कर देगी। थोड़ा जोर से रोई बच्चा। सुना बा सुना। नहीं नहीं कुत्ते नहीं पाले, घर में सब रो रहे हैं, रो रो के सबका बुरा हाल हो गया है बा। थोड़ा धीरे रो ना, मेरा रोना सोना ही नहीं दे रहा है। अरे हंसा बाबी तो इतना रोई कि उन्हें फिर से ब्यूटी पार्लर जाना पड़ा मेकअप करवाने के लिए। बड़ी बहन जिंजा जी, मेरा मन कहता है कि बाबूजी जिंदा है। अच्छा तो पूछना तेरे मन से कि बाबूजी कहाँ है। पूछा मैंने तो मन कहता है वह पता नहीं गोगा। हिमांशु मुझे तो अभी भी बाबूजी की आवाज सुनाई दे रही है। प्रफुल्ल तू तो गधा है गधा। मैंने तुझे क्या कहा था? अरे भगवान, कल ही मुझे लेकर गए थे बाबूजी बाजार जैसी बाबी के लिए गिफ्ट खरीद। कितने खुश थे बाबूजी 30 सेकंड के लिए। प्रफुल्ल चल यहाँ से जयश्री के लिए फटाफट तोहफे खरीद लेते हैं। मैं बाथरूम जाके आता हूँ। बाबूजी तोहफा बाथरूम में नहीं मिलेगा, वहाँ डब्बा मिलेगा। तोहफा यहाँ मिलेगा बाबूजी। बाथरूम जाके आता हूँ गधे, बाथरूम समझा? भाई साहब क्या दिखाऊं? बाथरूम। मेरी बहू के लिए कुछ अच्छे से तोहफे दिखाइए, तब तक मैं बाथरूम जाके आता हूँ। ओके जी, बाथरूम उस तरफ है। जब तक आपके बाबूजी बाथरूम से आते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रफुल्ल गधे एकदम चुप रहना, कुछ समझ में आता नहीं है तुझे, कुछ मत बोलना समझा? इशारे भी नहीं है, भी नहीं हूं तो बिल्कुल नहीं हूं, कुछ नहीं समझा, चुप रह। ये देखिए भाई साहब परफ्यूम का सेट, 3 अलग अलग तरह की खुशबू। पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं कुछ और दिखा देता हूँ आपको। अभी आया। मजे? अरे ये तो लॉक हो गया। मैं मेरे प्रफुल्ल को फोन करता हूँ। वो आके खोलेगा दरवाजा। मैं यहाँ बाथरूम में लॉक हो गया हूँ, दरवाजा नहीं खुल रहा है, आके मुझे निकाल। नालायक गधे जवाब क्यों नहीं दे रहा है? काट दिया, कुछ मत बोलना, क्यों बोला मैं? बाबूजी आपने मुझे बोलने के लिए मना किया है। गधा मैसेज कर रहा है कि आपने बोलने को मना किया था। अरे बोल मेरे बाप बोल। अब तू बोल सकता है गधे, बोल सकता है तू। अरे एक नंबर का गधा है ये। ये देखे सर, ये आपको जरूर पसंद आएगी, इम्पोर्टेड घड़ी फ्रॉम स्विट्जरलैंड। अब मैं बोल सकता हूँ। क्या बात है, तो बताइए कैसी लगी? बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत है। अच्छा मेरी जयशी बाबी की घड़ी ऐसी ही है, सेम ऐसी। अच्छा बेल्ट सेम होगी? नहीं नहीं जयशी बाबी बेल्ट पहनती ही नहीं, बेल्ट हिमांशु पहनता है। पहनने वाला बेल्ट नहीं, वो उनकी घड़ी का बेल्ट सेम होगा। नहीं नहीं जयशी बाबी की घड़ी में बेल्ट है ही नहीं, वो टेबल क्लॉक है, टेबल पे रखती है, बाकी सेम। अच्छा अच्छा दोनों घड़ियों का शेप सेम होगा? नहीं देखिए आपकी घड़ी का ऐसे कैसे गोल शेप है, जयशी भाभी की घड़ी का कोई शेप ही नहीं, वो टेढ़ी मेढ़ी आड़ी टेढ़ी। आड़ी टेढ़ी? हाँ
वो क्या हुआ, बाबूजी ने एक बार गुस्से में आके वही घड़ी मेरे सर पे मारी जोर से, तब से वो घड़ी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी आड़ी टेढ़ी हो गई, बाकी सेम ऐसी सेम। अच्छा तो वो घड़ी भी इस घड़ी जैसा वक्त बताती होगी इसलिए सेम है ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं। अब देखिए आपकी घड़ी इस वक्त 10:10 बता रही है ना, जैसी बापी की घड़ी टाइम दिखाती है ऐसी बन पड़ी है टेबल पे, बाकी से आकार नहीं मिलता। हाँ वो घड़ी बंद है, बेल्ट भी नहीं है, तो ये घड़ी सेम कैसे हुई? आपने कैसे गुस्से में ये घड़ी नीचे पटकी? हाँ तो उसी तरह बाबूजी ने भी जैसी भाभी की घड़ी मेरे सर पे जोर से पटकी थी, तो हुई ना सेम। एक मिनट, तुमको कैसे मालूम कि मैं ये घड़ी पटकने वाला हूँ? तजुर्बा। तजुर्बा भाई साहब तजुर्बा। मैं जब भी किसी दुकान में चीजें खरीदने जाता हूँ वहां का मालिक परेशान होकर चीजें नीचे पटकता ही है, समझे आप? इसलिए अनुभव से कुछ कुछ चीजों का अंदाजा पहले से लगा देना ही चाहिए, समझे आप? क्या बकवास करी जा रहे हैं, आपको कुछ चंगा नहीं आ रहा है। जब मैंने तुझे मैसेज किया था कि तू अब बोल सकता है तो लेकिन बाबूजी मैं इनसे बोल ही रहा था, लेकिन ये तो बिल्कुल लिंबू टिंबू और कच्चे सेल्समैन। मैं कच्चा सेल्समैन? अरे भाई साहब एक दिन में 6-7 चीजें बेचता हूँ मैं। तो इसमें इतने तेवर दिखाने की जरूरत नहीं है। चुप इनको बोलिए, इनको बताइए, चुप रहिए चुप रहिए। और मेरी बहू के लिए कुछ अच्छे से तोहफे दिखाइए, संगीत से जुड़े, फोन से जुड़े। हाँ चलिए ब्लूटूथ स्पीकर दिखाऊं? अच्छा अच्छा नरबेराम भाई। मैंने ब्लूटूथ स्पीकर बोला। हाँ। दिखाऊं कि नरबेराम कहां से आ गए इसमें? हाँ हमारे नरबेराम भाई जो हैं वो लेपर्ड क्लब के स्पीकर ही हैं। इसमें ब्लूटूथ कहां से आया? उनके सारे के सारे जो दांत है ना वो ब्लू हो गए, जामन चपा चपा, तो हुए ना ब्लूटूथ स्पीकर। और आप क्या चाहते, हमारी जयश्री भाभी को हम ऐसे नरबेराम उठा के दे दें गिफ्ट में? जयश्री भाभी ये आपकी गिफ्ट बर्थडे की, लो पकड़ो कमाल। समझ गया। चल प्रफुल। एक मिनट है प्रफुल, मतलब कि तुम तुलसीदास पारेख? हाँ बाबूजी मेरे मुझसे बड़े। बाबूजी जल्दी घर वापस आ जाइए, किसी को पता नहीं चलेगा बाबू। 2 दिन का बासी खाना वैसा का ही पड़ा है, मक्खी छिपकली कॉकरोच चूहे सब याद कर रहे हैं आपको बाबूजी। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, जल्दी आ जाइए। जय श्री वेरार। ये तो हंसा की आवाज है, साथ में बड़ी बहन भी है। ए इंस्पेक्टर एक कुर्सी देना, मैं तो थक गई भैया। कौन सा भाभी है क्या? है हेलो, ये क्या है? जय श्री बेन अंसा भाभी, हिमांशु, प्रफुल भैया, हवलदार, दूसरे हवलदार, आदमी, 3 संगीत वाले। मैंने शोक सभा का आयोजन कर डाला है। अरे हाँ ये नालायक जिग्नेश, बाबूजी जिंदा है वांद्रा? हाँ तो जय श्री बेन, इसीलिए तो मैंने आप चारों की शोक सभा का आयोजन कर डाला है। क्या मेरी फोटो? अरे देखिए मैं कितनी सुपर लग रही हूँ ना ऐसे हार के साथ। वाह वाह जिग्नेश, बहुत सही काम किया तूने। और वैसे भी 6 दिन बाद मैं इन चारों को गुनेगार डिक्लेयर कर ही दूंगा। इंस्पेक्टर तू जानबूझ के अंग्रेजी बोला ना? मुझे लगता तो है। नहीं नहीं प्रफुल, डिक्लेयर मतलब? डिक्लेयर जिग्नेश, जिग्नेश मैं हूं ना, मैं समझाता हूं अंसा को। What should we do tonight? डिक्लेयर अंसा। अरे वो एक चॉकलेट आती है जो अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, बाहर से कड़क कड़क और अंदर से नरम नरम। अरे हाँ मैंने खाई है ऐसे डिक्लेयर खाई है। वसा हाइनेश। अरे वो इक्लेयर। हाँ। ए चक्रम ऐसे कुछ भी मत बोला, इक्लेयर मतलब तो गुलाम अली साहब की गजल। ओहो दिल में इक्लेयर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में इक्लेयर सी
उठी है अभी आहा इकले